क्या आप भी चिकनकारी की कुर्तियां लेकर आते हैं और उसके बाद सोचते हैं ओफो मैंने इनको क्यों ले ली, मैं इनके अंदर क्या पहनूं, ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। और आप लोगों को पता है मुझे चिकनकारी की कुर्तियाँ पहनना बहुत पसंद है, पर अक्सर मैंने मेरी फ्रेंड्स लोगों को या और लोगों को नोटिस किया है कि उनको समझ में नहीं आता कि चिकनकारी की कुर्तियों के अंदर क्या पहने, बिकॉज ये कुर्तियाँ काफ़ी शीर होती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो समझ में नहीं आता। तो भी समझ में नहीं आता चिकनकारी की कुर्तियों के अंदर क्या पहने और कैसी कुर्ती के अंदर क्या पहनना चाहिए, आप उसे कैसे स्टाइल कर सकते हो, किसके अंदर क्या पहन सकते हो, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप सबकी फेवरेट वाइट कुर्ती से शुरुआत कर देती हूँ। तो ये जो वाइट कुर्ती है ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आ जाती है, जो हर कोई ले सकता है और हर किसी को बहुत पसंद आती है। चिकनकारी के कपड़े ऐसे हैं जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते और सबके ऊपर सूट होते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट कुर्ती है, इसके साथ सबसे बेटर होता है कि आप लॉन्ग स्लीव कॉटन की सिलवा लें या मार्केट पे भी मिल जाती है। तो बिकॉज़ ये कुर्ती स्ट्रेट है तो आप इसके साथ स्ट्रेट लॉन्ग स्लीव सिलवा सकते हैं, एटलीस्ट नी लेंथ तक सिलवा सकते हैं। बट अगर आपको इसको जीन्स या प्लाजो के साथ स्टाइल करना है तो आप इसे ऐसे शॉर्ट स्लीव्स के साथ भी पहन सकते हैं, बिकॉज़ इसके यहाँ पे काफ़ी सारा वर्क किया हुआ है तो इतना ज़्यादा ब्रा की स्ट्रिप नहीं दिखेगी। तो ये आप पतली वाली स्लीव्स के भी साथ पहन सकते हैं, अदरवाइज़ अगर इस पे यहाँ पे ज़्यादा वर्क नहीं होता तो आपको थोड़े चौड़े वाले स्लीव के साथ पहनना होता, तो आप उस केस में कुछ ऐसी स्लीव्स भी पहन सकते हैं, इस तरीके की स्लीव्स भी जो इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, आप इसके साथ भी वेयर कर सकते हैं। और आप नीचे अगर प्लाजो पहनते हैं, जैसे कि मैं प्लाजो के साथ इसे पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है प्लाजो के संग पहनते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। अगर आप इसे जीन्स के साथ पहनते हैं तो आप इसे शॉर्ट स्लीव्स के संग स्टाइल कर सकते हैं और ये बहुत ही प्यारी लगेगी। अगर आपको लग रहा है पूरा वाइट हो गया है बहुत ज़्यादा, तो आप इसके साथ एक अच्छा सा दुपट्टा कैरी कर सकते हैं और किसी भी सिल्वर ज्वेलरी के साथ इसे पहन सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगी। अब मैं इस अनारकली कुर्ती के बारे में बताती हूँ आपको। एक्चुअली इस कुर्ती को जब मैंने लिया था ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी और जहाँ से मैंने ये कुर्ती खरीदी थी उन्होंने ही मुझे इसके साथ ये स्लिप दे दी थी, बिकॉज़ ये अनारकली कुर्ती है, काफ़ी घेर है इसमें, बहुत प्यारी लगती है। और उसी के साथ उन्होंने मुझे ये स्ट्रेट फिट की स्लिप दे दी थी जो कि काफ़ी ढीली थी। मैंने इसे टेलर से फिटिंग करवाई थी पर मैंने इसे कभी नहीं पहना और डायरेक्ट मैंने इसे जाके अयोध्या में अयोध्या महोत्सव का जब मैं वीडियो बना रही थी मैंने इसे तब पहन लिया। एंड क्या हुआ, जैसे ही मैं चल रही थी ये फोल्ड हो के पूरा यहाँ पे ऐसे राउंड बन जा रहा था। आप लोगों को इतना पता नहीं चला पर वो वीडियो बनाने मुझे इतनी डिफ़िकल्टी हुई, मतलब मैं जैसे ही वॉक कर रही हूँ पूरा यहाँ पे ऐसे राउंड राउंड हो जा रहा है। तो मैंने इसे समहाउ मैनेज किया, कैसे मैनेज किया, यहाँ पे पिन लगा के। सो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने अनारकली कुर्ती खरीदी है तो आप अगर इसके साथ स्लिप बनवाना चाहते हैं तो आप अनारकली स्लिप ही बनवाएं, कभी भी उनका दिया हुआ स्ट्रेट फिटिंग स्लिप मत खरीदें। आपको कहीं भी बड़े आराम से वो लोग स्ट्रेट फिटिंग दे देंगे पर अनारकली उनके पास नहीं होती है। सो ये गलती प्लीज़ मत करना, जैसी कुर्ती का शेप है उसकी जो स्लिप बनवाएं, इनर बनवाएं, बिल्कुल सेम वैसा ही बनवाएं और थोड़ा सा लॉन्ग बनवाएं। तो इसके साथ आप लेगिंग्स कुछ भी पहन सकते हो, ये तो बहुत प्यारी लगती है बिकॉज़ ये काफ़ी मतलब बिल्कुल नीचे तक आती है, काफ़ी लॉन्ग है, तो आप इसके साथ कुछ भी कैरी कर सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन मैं दे रही हूँ आपको, आप इसके साथ ये शॉर्ट जो स्लिप है इसको कैरी कर सकते हो। अगर आप इसको एक मोनोक्रोम लुक देना चाहते हैं, रेड एक पैंट है मेरे पास, मैं उसके साथ कभी पहनती हूँ तो मैं इसे इस शॉर्ट के साथ भी कैरी कर लेती हूँ शॉर्ट स्लिप्स के संग। तो बस ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसी कुर्ती है बिल्कुल वैसी ही आपको स्लिप बनवानी है। और एक और बात, जैसे ये मेरे पास येलो कुर्ती है पर बेस्ट है कि अगर मैं इसके संग येलो स्लिप पहनूं, येलो कलर का इनर पहनूं, बट मेरे पास येलो नहीं है, बट इसमें हमेशा मैं इसको वाइट स्लिप पहनती हूँ। बट अगर आप ये वाइट स्लिप इसके साथ पहन रहे हैं तो आपको
ब्रा जो पहननी है वो आपको ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसकी स्लिप, ब्रा की स्लिप ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप इसके नीचे लेगिंग्स ना पहने। अगर आपने वाइट लेगिंग पहनी और आपने ये शॉर्ट पहना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो पीछे से लेगिंग का शेप यू नो पूरा ऐसे दिखेगा बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है। तो आप इसे प्लाजो के संग अच्छे से कैरी कर सकते हो, प्लाजो के संग ये बहुत अच्छे से जाएगा। और अगर आपको प्लाजो नहीं पहनना है और अगर आपको अंदर पूरा वाइट रखना है तो इसे वाइट जीन्स के साथ आप पहन लीजिए, बहुत अच्छा लुक आएगा। और अगर आपको येलो स्लिप्स के साथ पहनना है फिर तो आप इसे लॉन्ग स्लिप्स के साथ पहनना है तो फिर तो आप इसे जीन्स या किसी के भी साथ कैरी कर सकते हैं। बट मैंने अभी तक येलो नहीं बनवाई, हमेशा वाइट के संग कैरी किया है। और आप लोगों के बहुत प्यारे कमेंट मिले कि आपकी कुर्ती बहुत प्यारी है, तो अब मैं बनवाने वाली भी नहीं हूँ, इसे वाइट के साथ ही पहनती हूँ। और एक कुर्ती है ये सी, तो आप देख सकते हो ये कुर्ती कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो आप इसके लिए या तो लॉन्ग स्लिप बनवा लें अगेन, या फिर ये बहुत ही सस्ती सी जो आपको मिल जाती है कहीं भी किसी भी मार्केट में इजिली, आप ये ले सकते हो। तो मैंने इसके साथ यही ले लिया है, पर इसको जब भी पहनना होता है तो ऑलवेज जीन्स के साथ पहने, क्योंकि जीन्स के साथ ही ये अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी इनर शॉर्ट है। ये एक कुर्ती है वाइट कलर की, ये शॉर्ट कुर्ती है। वैसे तो आप अगर लाइट कलर की ब्रा पहनो तो इसके संग अगर आप कुछ भी नहीं पहनेंगे बिकॉज इस पर काफ़ी ज़्यादा फ्रंट में वर्क किया गया है तो फ्रंट से ये बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता, और पीछे से लेकिन दिखता है। तो इसके लिए भी आप शॉर्ट स्लीव जो मैंने अभी दिखाई थी शॉर्ट स्लीव पहन सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी शॉर्ट कुर्ती है तो इसके लिए वो शमीज वाली अच्छी नहीं लगेगी। और जब भी ब्रा पहने तो ब्रा ट्रांसपेरेंट वाली पहने तो ये कुर्ती का लुक बहुत अच्छा आएगा। आप इसे जीन्स के संग पहन सकते हैं, आप इसे वाइट प्लाजो के संग भी स्टाइल कर सकते हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी ये कुर्ती। इसी तरीके से ये वाइट अनारकली है, इसे मैं आप घर में पहन लेती हूँ, थोड़ी पुरानी है ये, तो इसको भी आप अगर इसे स्टाइल करना चाहते हैं तो ये अनारकली थी जिसे मैंने कट करके अभी थोड़ा स्ट्रेट करवा लिया है, बट ये देखने में थोड़ी अनारकली टाइप ही लगती है अभी भी। तो इसके साथ भी आप अगर आप वाइट शॉर्ट पहनना चाहते हैं तो आपको इसे प्लाजो के संग या जीन्स के संग कैरी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसे इसके लिए भी लॉन्ग स्लीव्स बनवा लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं पर बहुत मायने रखती हैं। अगर आपने चिकनकारी की अच्छी कुर्ती खरीद ली लेकिन अगर एक ब्रालेट पहन लिया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ब्रालेट पहने हुए, बिल्कुल मत पहनिए, बहुत अजीब सा लगता है। एंड यू नो अगर आप किसी रिलेटिव्स या कोई किसी बड़े के सामने गए तो वो अच्छा भी नहीं लगता, उसका पूरा शेप दिखता है। सो बेटर है जो मैंने अभी कुछ आइडियाज़ दिए आपको, आप इन सारे आइडियाज़ को फॉलो कीजिए और इसी तरीके से अगर आप चिकनकारी की कुर्तियाँ पहनेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी और आपको भी चिकनकारी कुर्तियों से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। सो गाइज आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल सिंपली शिल्पी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।